डायोड के न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल उसने दे दिया, वो कहता है जी एक डायोड लगा हुआ है और सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन का डायोड है और वो कह रहा है 3 वोल्ट की बैटरी है। नॉर्मली हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, हमसे करंट पूछा गया, हम देखते हैं बाइसिंग क्या है, तो हमने कहा पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट होगा 3/200। आंसर बिल्कुल सही है, उसमें मेंशन नहीं होता कि डायोड कौन सा है, सिलिकॉन है कौन सा है, कुछ नहीं होता, बस डायोड है। और ऐसे बोला था आइडल डायोड है, आइडल डायोड की कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होती, ये भी आपको पता है। अब क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर कर लिया तो हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर याद करें तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता था कि फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या ड्रॉ करते थे कि ये आपके पास सपोज ये रहा आपका आई वी करेक्टरिस्टिक्स, ये आई है और ये वी है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती थी फॉरवर्ड की जिसमें ये वोल्टेज चेक कर लो असाइनमेंट की 0.7 वोल्ट होती थी, इसको पता है क्या बोलते थे, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, नी वोल्टेज किया था हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायसिंग में नी वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग में जीनर या ब्रेकडाउन वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जब करंट एकदम इसमें स्टार्ट हो जाता है, हम इंटरेस्टेड इस करंट में होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आपने पीएन जंक्शन लगाया तो पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो वो करंट इसमें बहुत कम होता है और वो स्टार्ट भी नहीं होता पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में ये जो करंट है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, नाम मात्र करंट है, ये असली करंट है 0.7 के बाद, इसको बोलते हैं इसकी कट ऑफ वैल्यू है। तो यानी कि अगर इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी ना, अगर आपने इनपुट वोल्टेज 0.4 वोल्ट लगा दी, मान लो पीछे से आपने वोल्टेज बैटरी की फॉरवर्ड बायसिंग में 4 वोल्ट लगाई और सिलिकॉन का डायोड है तो उसे स्टार्ट नहीं होना, उसे करंट भेजना नहीं है क्योंकि 0.7 वोल्ट तो नी वोल्टेज है। जीनर ये डायोड कहता है कि भाई ऐसा है तुम बैटरी जो मर्जी लो, मैं 0.7 खा जाऊंगा तुम्हारे वोल्ट, इसका मतलब है कट ऑफ वोल्टेज, तब मैं चालू करूंगा करंट भेजना, नहीं तो मेरे से एक्सपेक्ट ना करना। अब सिलिकॉन डायोड की कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, ये घर से याद करके जानी है। अब वो कहता है मैंने दी 3 वोल्ट, 0.7 तो खा गया डायोड, तो अब बची कितनी नेट वोल्टेज, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस। ये देखो तो ये मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी। अब कितनी गलत बात है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डायोड के किए आइडल डायोड के, आइडल डायोड में पता ही है यार लेना है नहीं, 3/3 तो आंसर करो, 3/200 आंसर आ गया। पर अब वो सिलिकॉन डायोड बोल रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट को नी वोल्टेज भी याद होगी और ये आंसर है। आजकल ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पुराना क्वेश्चन है, पर सोचो स्टूडेंट के साथ वो कैसा करते थे, ठीक, उसको मेंशन करना चाहिए इसकी नी वोल्टेज भी है ताकि इट हैज टू बी कंसिडर्ड। ऐसा ना हो कि हम एमी आइडल डायोड लेके आंसर मार कर दो, मजे की बात है आइडल डायोड के साथ भी आंसर गिवन है तो ये भी आइडल, इसकी रेजिस्टेंस काउंट नहीं की हमने पर नी वोल्टेज को काउंट किया, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है नी वोल्टेज को तो काउंट करना ही होता है। तो याद रखना अगर सिलिकॉन मेंशन किया हुआ है तो प्लीज कंसिडर नी वोल्टेज ऑल्सो, ठीक है। चलो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसके बारे में ज्यादा नहीं है, ये हमने कर लिया। ये मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें चेक करो क्या क्वेश्चन है।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर 15 वोल्ट की बैटरी, जीनर डायोड लगा हुआ है 10 वोल्ट, जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है और ब्रेकडाउन में करता है, तो एज्यूम है कि इसका ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, तो अगर ये 10 वोल्ट है, ये पैरेलल में है, तो ये भी कितने वोल्ट पे है, 10 वोल्ट पे है। मुझे क्या निकालना है, मुझे करंट जीनर में बताना है इसमें कितना करंट गया, ये मुझे निकालना है। अब मुझे बताओ कि अगर ये 15 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो उस केस में ये कितने वोल्ट होगा, ये 5 वोल्ट होगा, 15 में से 10 गया कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसके अंदर करंट क्या आएगा, आई डैश या आई वन जो भी है, तो इसमें जो करंट आएगा आई वन वो कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 500, तो ये करंट की वैल्यू आएगी। और इसमें कितना करंट आएगा, इसमें करंट जाएगा आई टू इज इक्वल टू 10 बाय 1500, तो फिर इसमें कितना करंट गया, आई आई विल बी इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, टोटल करंट में से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 अपॉन 500 में से 10 अपॉन 1500 को माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, करंट की। क्या ये बात समझ में आ रही, करंट मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, डायोड सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ है कि बच्चा कहे मैं डायोड नहीं करके आया, मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, भाई 10 वोल्ट जीनर है तो ये भी 10 कर दो ना, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व हो जाएगा। आधे क्वेश्चन डायोड के बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही सॉल्व होते हैं, अगर जीनर 10 कहे तो 10 दे दो, 5 कहे तो 5 दे दो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जीनर पे कुछ भी नहीं करने वाला। जैसे कि सपोज करो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, वीआई करेक्टरिस्टिक्स या आईवी करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंसेस, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होती है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई होती है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है एसी में फॉरवर्ड बायसिंग में। तो कोई भी ये दो वैल्यू ले लो, 0.8 में से 0.7 गया, डिवाइडेड बाय करंट कितना है 20, और इसका करंट क्या है 10, 20 माइनस 10 मिली एम्पियर है, 10 की पावर माइनस 3 आंसर, तो ये आ जाएगी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। और अब आ जाएगी रिवर्स, रिवर्स के अंदर रिवर्स रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और करंट कितना है 1 × 10 की पावर माइनस 6, इसे और इसे डिवाइड कर दें, रेजिस्टेंस की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो वीआई करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, अगर हमने एनसीईआरटी की शीट को भी अगर आप देखो तो एनसीईआरटी के अंदर भी डायनेमिक रेजिस्टेंस एसी और रिवर्स और फॉरवर्ड में हमने करंट किया था, वो सेम क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर क्या गिवन है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ गिवन, तो आपको क्या गिवन है, ये एक सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन गिवन है, होल कंसंट्रेशन गिवन है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी गिवन है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, होल्स कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ये है और होल की मोबिलिटी ये है। तो आपको क्या निकालना है, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी के अंदर एक ही डेरिवेशन थी कंडक्टिविटी की, सिग्मा ई इंटू एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, वैल्यूज पुट करो आंसर, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, डेरिवेशन हमने की थी इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये रहा, कह रहा है कि इसके अंदर आप ये बताओ कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं आईवी की और आपको मार्क करनी है कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, बस मुझे ये बताओ इन सब में से ये फॉरवर्ड या रिवर्स, ये फॉरवर्ड या रिवर्स, ये तो मैंने कभी देखी नहीं कौन सी, ये तो मैंने करवाई नहीं आपको, ये मैंने करवाई है किसकी है, सोलर सेल, सोलर सेल याद है ऐसे बनता था, चेक करो, कहा था मैंने एनसीईआरटी की करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है, टेस्ट है आपका, अगली बार मैं ले ही लेता हूँ सेकंड पार्ट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो रही गई, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस याद कर लो, करेक्टरिस्टिक्स अपनी आप याद हो जाएंगी, फायदे में रहोगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ये रही, और सोलर सेल में डार्क करंट होता था उसमें, फॉरवर्ड जो करंट है डार्क करंट भी किया था, चलो कोई बात नहीं। तो तीसरा ऑप्शन अगर आपको याद हो सोलर सेल है, या तो ये आंसर है और उसमें सोलर सेल है ही नहीं, यही आंसर है, ठीक है। वैसे बता देता हूँ ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिंपल डायोड की है पीएन जंक्शन की, और थोड़ा सा अगर ये करेक्टरिस्टिक नीचे चले जाए तो ये जीनर की होती है, बताई थी भी थी जीनर और नॉर्मल में क्या फर्क है, तो ऐसा क्वेश्चन भी करेक्टरिस्टिक्स पे आता है, मैंने कहा था करेक्टरिस्टिक्स मार्क कर लो इंपॉर्टेंट है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, ये नहीं करना तब मुश्किल क्वेश्चन है, ये करना कर लिया, ये लो ये क्वेश्चन है,
वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, इसको स्टॉपिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो डायोड के ऊपर है स्टॉपिंग रेजिस्टर है, आपको ये वैल्यू निकालनी है इस वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि ये जीनर है, VL है तो यहाँ पर भी वोल्टेज VL है, ठीक है। अगर ये VI है, ये VL है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VI माइनस VL है, तो फिर यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे करंट आएगा I इज इक्वल टू कितना, VI माइनस VL डिवाइडेड बाय RS, तो करंट की वैल्यू आ रही है। मुझे क्या करना है इसमें, मुझे RS की वैल्यू निकालनी है। जो करंट आएगा I, वो पता है किसके इक्वल होगा, वो होगा IL प्लस इस करंट के इक्वल, यानी कि I ऑफ L प्लस N इंटू IL के इक्वल। अब I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, VI माइनस VL बाय RS इज इक्वल टू IL प्लस N इंटू IL, सॉल्व करके RS कैन बी कैलकुलेटेड, ऑप्शन मार्क कर लेना। बिल्कुल नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई डायोड का तो काम है ही नहीं इसमें, बस बेचारे का एक ही काम है, जो ये VL है वो VL ले लेता है बस, बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो डायोड की प्रॉब्लम तो पेपर में आ जाए तो अच्छी बात है, डायोड का न्यूमेरिकल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व हो जाएगा नॉर्मल न्यूमेरिकल, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, ये नॉर्मल क्वेश्चन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है, ये क्वेश्चन एरर्स में करेंगे, ये ओनली फॉर नॉन मेडिकल, नीट को नहीं करना इसे। तो करंट आपको दे रहा है, वो अप्लाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट मेक्स एन एरर, ये एरर्स की प्रॉब्लम है, और वो इतना वोल्टेज में एरर करता है, ये डेल्टा वी या डीवी है, तो आपको ये बताना है करंट आई पता है, टेम्परेचर पता है, एरर इन करंट बताना है, डीआई बताना है कितना है। तो मैथ्स के लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करके डी आई और डी वी की वैल्यू आ जाएगी, तो डिफरेंशिएट करके आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ऐसी टर्म आ जाएगी ये, तो डी वी और डी आई में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको एरर डी वी में पता है, वी पता है, टी पता है, डी आई कैन बी कैलकुलेटेड, तो कुछ नहीं एरर का रूल, इस टाइप की क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करें, मैथ्स के लोग कर सकते हैं ऐसे, डी वी और डी आई में रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो नीट और एनसीईआरटी में नहीं करना, सिंपल डायोड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें आपने, ये हमने कर लिया, जैसे ये रहा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स गिवन है, तो याद करो इंट्रिंसिक में इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन आई से रिप्रेजेंट करते थे, फिर हमने इसकी डोपिंग कर दी, डोपिंग करके डोनर इंप्योरिटी डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है Ne वो आपको दे रहा है, आपको होल्स का नंबर बताना है NH क्या होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक का रिजल्ट करवाया था, कितने लोगों को याद है, ऐसा किया था Ni का स्क्वायर Ne इंटू NH, गिवन NH निकाल लेना, बताया था मैंने स्पेशल Ni और Ne और NH में क्या रिलेशन है, क्या ये पॉइंट क्लियर है।